हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एरर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले आप लोग क्लासिफिकेशन लिखिए। क्लासिफिकेशन है केमिकल एनालिसिस इनकाउंटेबल नर्वस आर सर्टेंटेड दैट मेक अवे फॉर ए द होस्ट ऑफ एरर व्हिच कैन बी कैटराइज इनटू सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। तो दो तरह के एरर होता है, जो सिस्टमैटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है। जो आप लोग ठीक कर सकते हैं एरर को, एक नहीं ठीक कर सकते हैं, दो तरह के होता है। जो आप लोग गलती करते हैं, आप लोग पता होता है कि एरर क्या होता है, हम लोग ठीक कर पाते हैं। एक एरर होता है जो आप लोग ना देख पाते हैं ना जान पाते हैं कहाँ से एरर होता है, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। दो तरह से एरर होता है, जो आप लोग सिस्टमेटिक एरर होता है और रैंडम एरर होता है। तो चलिए देखते हैं डिटरमाइंड को। देखिए डिटरमाइंड चाहे डिटरमिनेट का है, डिटरमिनेट सिस्टमेटिक एरर या इनडिटरमिनेट एरर, तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं एरर। इसको लिखिए, तो आप लोग डिटरमिनेट रैंडम एरर, तो दोनों एरर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को अब चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक एरर में क्या कितने पहचान होते हैं, जैसे आप लोग कितने तरह से गलतियां करते हैं, हम लोग गलती करते हैं उसमें। आप लोग फर्स्ट कोई भी केमिकल बनाने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए एरर क्या है। एरर जानेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप लोग एरर जानकारी जरूर लेना चाहिए और पूरा अनुभव होना चाहिए कि एरर कहाँ से आता है। कहीं से भी एरर आएगा तो आप लोग पता हो जाएगा कि एरर आ रहा है, इसी की वजह से आप लोग गलत हो जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल समझिए, कोई भी मैकेनिक आप लोग गाड़ी को कार को पार्क करते हैं तो उसको पहचान के कैसे जान जाता है कि कहाँ खराब है। उसी तरह एक केमिकल है, आप लोग एरर पता कर लेंगे तो उसी तरह आप लोग बता देंगे कि इस एरर के कारण वहां पर प्रोडक्ट खराब हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इसको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। डिटरमिनेट सिस्टमेटिक एरर में टोटल होते हैं 5। एक होते हैं पर्सनल एरर, जो आपको खुद करते हैं पता होना चाहिए। एक है इंस्ट्रूमेंट एरर, एक होता है रीजेंट एरर, एक है कांस्टेंट एरर, एक होता है प्रोफेशनल एरर। ये 5 होते हैं जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए आपको पहला बताता हूं, पर्सनल एरर होता है, इसका डिफिनेशन भी दूंगा। पर्सनल एरर ये होता है कि आप लोग कोई भी वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी वेट कर रहे हैं, जो वेट का जो होता है वेट कर रहे हैं, तो आप लोग जान रहे हैं इसमें 3, मतलब आप लोग 4 किलो का वेट लिए हैं, 4 किलो का वेट लिए हैं, आप लोग 4 किलो लिख लिए, उसी को पर्सनल एरर करते हैं। मान लीजिए कोई भी आप लोग ले रहे हैं, 4 किलो का वेट है, मान लीजिए 1 किलो है तर्जुई, ठीक है ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये वेट हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 4 किलो का मैं रख दिया और 50 4 किलो, तो आप लोग 4 किलो तो ले लिए, तो आप लोग कितना लिखे, 4 किलो लिखे यहाँ पर, 4 किलो को पदार्थ लिया, 4 किलो लिखे, इसी को पर्सनल एरर कहते हैं। जो आप लोग गलती करते हैं, आप जितना वेट करते हो उतना नहीं लिखते हैं, इसलिए पर्सनल एरर इसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल में समझिए कितना इजी है पर्सनल एरर क्या होता है। अब कोई बंदा कह दिया, चलिए कोई बंदा वेट कर रहा है, बोला 3.3, ठीक है आप क्या किए, 3.9 लिख दिए। कोई बंदा आपके साथ है जो बैच में आप लोग प्रैक्टिकल कर रहा है, 3.9 लिख दिए, तो क्या गलत है ना, पर्सनल एरर है। जो आप लोग खुद कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं बट पर्सनल एरर कर रहे हैं, जो वेट को कम और ज्यादा कर ले रहे हैं उसी को पर्सनल एरर कहते हैं। चलिए इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है आप लोग पता होना चाहिए। कोई भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए 1 किलो को मैं बटखरा लिया, ठीक है, उसमें उसमें केमिकल को जैसे कई साल होने के वजह से 20 ग्राम चाहे 10 ग्राम उसमें से निकल गया, मतलब वो खत्म हो गया। बट आप लोग जानते होंगे जो उसमें पकड़ लेता है, मतलब बटखरा को लेते हैं, मोर्चा को पकड़ लेता है, हिंदी में मोर्चा कहते हैं, तो उसको पकड़ लेता है,
जो पकड़ लेता तो इसीलिए वो कम हो जाता है कुछ मटेरियल, मतलब लोहा का, तो लोहा खराबे करता है वो मटेरियल को, मतलब खा लेता है मिट्टी, तो मिट्टी से वजह से खत्म होने से वजह से ये वेट का जो 1 किलो होता है वो 900 हो जाता है, चाहे 980 ग्राम हो जाता है, 980 ग्राम हो जाता है, तो इसीलिए वेट आप लोग कर रहे हैं तो 980 ग्राम होगा, जिसके वजह से आप लोगों का प्रोडक्ट खराब हो जाता है। देखिए कोई भी आप लोग देखिए इसमें क्या है, ये इसीलिए खराब हो जाता है, इसीलिए आप लोग जब भी जाइए उसका वेट देखिए कि आप परफेक्ट है कि नहीं है। कभी कल तो आप लोग करते हैं जैसे मान लीजिए ये इसी तरह आप लोग अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है, जिससे आप लोग वेट खराब हो जाता है, जो आप लोग मटेरियल लेते हैं, जो आप लोग केमिकल लेते हैं, इसी की वजह से आप लोग प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता। तो फर्स्ट आप लोग एरर क्या होना चाहिए इसको जानकारी होना चाहिए कि 1 किलो मैं ले रहा हूँ वो परफेक्ट है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 3.3 ये बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है कि नहीं, एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, तीसरा बार पूछ के लिखिए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए कोई भी बंदा बोल रहा है, मतलब आपका बैच वाला बोल रहा है 3.9, आप 3.3 लिख रहे हैं, तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट जो मेरा केमिकल होता है हम लोगों को खराब हो जाता है इसी वजह से। चलिए रीजेंट एरर क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। रीजेंट एरर क्या है, रीजेंट एरर वो होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, जो भी आप लोग कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, रीजेंट एरर है ना, तो आप लोग पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें कोई भी खराबी हो गया, एक रीजेंट खराब हो गया और दूसरा रीजेंट अच्छा है, तो रीजेंट को मिक्स करेंगे तो दोनों खराब हो जाएगा ना, इसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट खराब हो जाता है, पहली नंबर। दूसरे नंबर ये होता है, अब मान लीजिए ये अच्छा है वो खराब है, तो मतलब दोनों की वजह से भी खराब हो सकता है। तो कोई भी करे प्रश्न, मान लीजिए दो बंदा है, एक बंदा पानी में तैर पाता है, एक बंदा नहीं तैर पाता है, तो दोनों पानी में तैरेंगे तभी तो निकल पाएंगे, कितना दिन ये एक आदमी लेके जाएंगे, तो इसीलिए दोनों आदमी को अच्छा होना चाहिए तभी प्रोडक्ट अच्छा होगा, और दोनों आदमी अच्छे होंगे तो नदी पार भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रीजेंट एरर हो गया, कंस्टेंट एरर, कंस्टेंट एरर क्या होता है दोस्तों आप लोग पता होना चाहिए। कंस्टेंट एरर, कंस्टेंट एरर वो होता है जब भी हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, ये हम ये ले रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक ले रहा हूं, चलिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूं कोई भी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले रहा हूं और यहां तक मैं भर रहा ओके कर ले रहा हूं, ठीक है, कंस्टेंट एरर है ना। तो इसमें मान लीजिए आप कभी कहीं आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग कहीं प्रैक्टिस किए होंगे कि आप लोग बोतल जब चढ़ाते हैं उसमें एक भी एरर आता है तो शरीर बॉडी का नुकसान पहुंचा देता है। जो आप लोग जो बोतल चढ़ाते हैं वो क्या आईवी चढ़ाते हैं जो मनुष्य के आईवी दे मतलब इंजेक्शन को देते हैं उसमें भी आपको एरर होगा तो मनुष्य को प्रॉब्लम ज़्यादा कर देता है। उसी तरह ये भी है, जो थोड़ा सा भी ये बुलबुला होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देगा, इसी को कहते हैं कंस्टेंट एरर, कंस्टेंट एरर। अब देखिए पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर ये होता है अब जानबूझ के गलती कर रहे हैं। आपको पता है कि एक काम ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, बट आप लोग उसी के तरीके से कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आप लोग एक मान लीजिए स्केल है, इसमें 2 सेकंड चालू है, आप लोग पता होगा ये खत्म हो गया और यहाँ 5 तक, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग नाप रहे हैं। पर्सनल एरर ये होता है जो आप लोग खुद नाप रहे हैं, हमको पता है ये है बट आप लोग नाप रहे हैं, तो मान लीजिए 4 नापना है हमको 4, तो आप 4 नाप रहे हैं तो इसको नहीं गिन रहे डायरेक्ट यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है ऐसे कर दे रहे हैं, बट 2, 3, 4, 5 आप ये वाला लिख दे रहे हैं, आपको 4 नापना है बट 5 वाला लिख दे रहे हैं, तो इसी को पर्सनल एरर कहते हैं, क्योंकि एक तो नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक नापना है तो आप लोग कैसे करेंगे, तो इसको तो भी ठीक कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ये 4 ओके होता है ना, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, इसी को पर्सनल एरर होता है। जैसे चलिए आप डिफरेंट मतलब आप लोग परिभाषा इसको दूंगा कौन सा इंग्लिश में, आप लोग तो हिंदी में समझाया ना, आप लोग इंग्लिश में समझिएगा कैसे हम आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।
मेरे वीडियो में लगे रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं छात्र, वो अच्छे से हिंदी समझ पा रहे होंगे और अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज का जो बता रहा हूँ प्रोफेशनल एरर क्या होता है, तो नॉन मैटर हाउ मेनी सिंपल्स आर टेकन, कोई भी मैटर ले रहे हैं सिंपल सैंपल, उसको नॉन मैटर है। द एब्सोल्यूट एरर वैल्यू रिमेन कंस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ डेट, चेंज होता है जो द मटेरियल द ऑफ थ्री कैटेगरी होता है, जो सच एज एरर that are related to system random and blunders error communicated by the systematic means can be avoided in principle because by certain causes in principle systematic error can be eliminated। ठीक है, इलिमिटेड अलग है, ठीक है, बिकॉज दे हैव सर्टेन कॉजेज, मतलब आप लोग जो एरर आता है प्रोफेशनल एरर इसी अकॉर्डिंग आता है, जिससे आप लोग इसको समझिए और समझ आएगा, इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, आप एक समझ लीजिए एरर, प्रोफेशनल जो एरर होता है, एग्जांपल हम आप लोग बता रहे हो, प्रोफेशनल एरर होता है कि आप लोग कोई भी मटेरियल ले रहे हैं वो नॉन मटेरियल है, और जो नॉन मटेरियल को मटेरियल मतलब ले रहे हैं उसको क्रिया कराने वो रिएक्शन नहीं होता है, जैसे नॉन मटेरियल हो गया तो उससे रिएक्शन ही नहीं होता है, तो मटेरियल अच्छा लीजिए, उससे क्रिया कराएंगे तो अच्छा प्रोडक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, और सिस्टमेटिक एरर नहीं आएगा, जैसे प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग है, जितना आपको लेना है उतना ही लीजिए, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा एरर आएगा। मान लीजिए एक सिस्टमेटिक, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस है, तो इससे रिएक्शन नहीं होता है ना, तो इसीलिए हाइड्रोजन मान लीजिए माइनस है, H2 है, तो इसमें रिएक्शन कराएंगे तो H2O हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग मटेरियल लेंगे जो आप लोग रिएक्शन करा के अच्छे से समझ आ जाएगा, गलती करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी अकॉर्डिंग पेपर में आएगा जो आप अच्छा, ये तो एग्जांपल था मैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग नॉन मैटर हाउ मेनी सिंपल आर टेकन द एब्सोल्यूट एरर द वैल्यू रिमेन्स कंस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ डेट चेंज द मटेरियल ऑफ थ्री कैटेगरी सच एज एरर डेट आर रिलेटेड टू सिस्टम रैंडम एंड ब्लेडर्स एरर कम्युनिकेटेड बाई द सिस्टमेटिक मीन्स कैन बी अवॉइड इन द प्रिंसिपल बिकॉज बाय सर्टेन कॉजेज इन द प्रिंसिपल सिस्टमेटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज दे हैव सर्टेन कॉजेज। आप लोग इसको याद करिए और पेपर में आएगा तो, और पूरा लिखिएगा जिससे आप लोग नंबर नहीं कटेगा और अच्छे से जानकारी आप लोगों को हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़िए, एक बार नहीं पढ़ पा रहे हैं दोबारा पढ़िए। देखिए, ये प्रोफेशनल एरर ए होता है जो आप लोग गलती करते हैं, नॉन मेटल ले लेते हैं, मेटल लेना चाहिए नॉन मेटल ले लेते हैं, इसी की वजह से आप लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है, जो आप लोगों को मतलब प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।